एक हफ्ता कबल तंगवानी से दो साल मसरूर बकरानी की बाजियाबी के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी और अहले खाना की जानब से कंदकोट घंटा घर चौक पर धरना दिया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। और पूरा जिला नोगो एरिया बना हुआ है अमन अमान की 3643। यहाँ के लोग परेशान हैं कि कहाँ जाएं। उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मसरूर बकरानी बासलामत रिहा नहीं होगा। तो हम पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, तो आप हमारे मुआफिद हैं, आप हमारे मुआफिद हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है तो आप हमारी डिफेंस करें और मसरूर बकरानी को बासलामत बाजियाब करवाएं। काम नहीं दिखाया जाम। ये जो सिलसिला धरना चल रहा है, जब तक मेरा बच्चा मासूम मसरूर बकरानी आज़ाद नहीं होगा जब तक ये धरने। क्या अगवाकारों की तरफ से कोई काल वगैरह आई है तावान के लिए? नहीं नहीं, अभी तक कोई काल नहीं आया है। देखें जी, एस टी पी रहनमा और शहरियों और अहले खाना की जानिब से इन्होंने मुतालबा किया है कि मसरूर अहमद बकरानी को फ़ौरन बाजियाब कराया जाए, दूसरी सूरत में इसी तरह एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी।